ये पब्लिक के अंदर है। इसके अंदर एक तो पहला कंफर्मेशन ही पहले वीडियो में ये है कि एक मॉब जो है तो गाड़ियों के ऊपर, टू व्हीलरों के ऊपर वहां पर आया राम मंदिर के पास में। फिर उसके बाद जो है तो वो नारेबाजी लगाकर शायद इमीडिएट वो पुलिस वैन के पीछे में खड़ा हुआ है। पुलिस वैन जनता डुडेरी जो है वहां पर उसके सामने खड़ी हुई है, उसके पीछे ये मॉब है। अब ये मॉब कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, कौन है, हिंदू मुस्लिम तो सवाल ही नहीं होता। ये जो है तो समाज कंटक होते हैं, इनको जो है तो किसी जात धर्म से नहीं देखना चाहिए। तो पहला इनको जो है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो डायलॉग जो उन्होंने कहा है उसको हम जो है तो आइडियल समझेंगे। इस वक्त में उन्होंने कहा कि दंगाइयों को जो है तो कपड़ों से पहचानो। तो वीडियो के अंदर जो लोग दिख रहे हैं वो चड्डी के अंदर, निकर के अंदर पहने हुए खड़े हुए वहां पर है। किराड़पुरा के अंदर चड्डी पहनने का कोई रिवाज नहीं है। और उसके बाद और एक ये चीज है कि ये जो लोग खड़े हुए हैं 30-40 लोगों का एक मॉब दिख रहा है, वो लोगों बाद में जो है तो पुलिस के कुछ अधिकारी उनको मंदिर के अंदर लेके गए। तो ये जो दो वीडियो है इसके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई निकल के आ रही है। पहली सच्चाई ये है किराड़पुरे के जो जनता है उनको जो बदनाम किया जा रहा है कि इन्होंने मंदिर के ऊपर पत्थर चलाए, सबसे पहले ये झूठ का जो है तो पर्दाफाश हो रहा है। वो मकसद है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारे प्रेस के भाइयों को यहाँ पर बुलाकर अपनी बात रखने का। हमारे पास दो वीडियो है, वो वीडियो का हम क्लेरिफिकेशन आपके सामने रखेंगे और उसके जरिए से सच्चाई आपके सामने जो है तो हम रखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारा कोई भी मकसद नहीं है शहर के अंदर सनसनी फैलाने का, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्लियर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर अधिकार दिया है वो अधिकार के साथ में जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी और जिम्मेदारियां है, वो जिम्मेदारियों को समझकर इंसाफ को यकीनी बनाना, न्याय को यकीनी बनाना, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद किसी किस्म की शरंगेजी या किसी किस्म का सनसनी नहीं है, तो ये मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। और अभी मैं सबसे पहले जो है तो आप तमाम लोगों को भी जो है तो ये वीडियो हमारे आपको डाल देंगे। पहला एक वीडियो है, ये वीडियो 1:05 का है, बिल्कुल राम मंदिर से लगकर का वीडियो है। किराड़पुरा के अंदर जो रात में हुई उसके लेकर कैसे कैसे अफवाहें हुई है वो अफवाहें हमारे सामने है। उसके बीच में एक इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम क्या है, वो इल्ज़ाम ये है कि किराड़पुरा के लोगों ने, किराड़पुरा के अवाम ने मंदिर के ऊपर जो है तो पत्थरबाजी की, ये जो है तो इल्ज़ाम किराड़पुरा की अवाम के ऊपर है। लेकिन ये जो दो वीडियो है ये वीडियो कुछ और कह रहे हैं, हमको इसको समझना चाहिए। पहला वीडियो है उसके अंदर जो है तो एक मॉब 40-50 लोगों का मॉब है, कैमरे की रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं है, लेकिन उसके अंदर मॉब जो है तो टू व्हीलरों के ऊपर ट्रिपल सीट वहां पर आया वो जो है तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने ब्रेकिंग के तौर पर भी नहीं लाया, ये ऑलरेडी अवाम के अंदर है, ऑलरेडी अवाम के अंदर जो है तो वायरल हो रहे हैं। लेकिन झूठ का बोलबाला इतना है, झूठ की जो तो ताकत इतनी है कि सच बोलने के लिए अवाम के अंदर डर है, सच बताने के लिए यहाँ पर सामाजिक सियासी मजहबी लीडरों के अंदर डर है, ऐसी एक जो तो सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। तो इसके अंदर ये मॉब क्लियर तौर पर आप देख सकते हैं, एक 30-40 लोगों का एक मॉब जो है तो अलग अलग टू व्हीलरों पे मंदिर के पास में आया है। आने के बाद ये लोग रोड पर गए, नारेबाजी किए, फौरी जो है तो वहां पर पुलिस की एक वैन है, सीमा अजंता डुडेरी है, डुडेरी के बिल्कुल सामने पुलिस की एक वैन खड़ी हुई है, वो वैन के पीछे ये लोग आके रुक गए नारे देने के बाद। शायद वहां सामने से जो है तो कुछ लोग इनके तरफ आए, शायद वो झगड़ा करने के लिए आ रहे हो या उनको तो रोकने के लिए आ रहे वो नहीं बता सकते, लेकिन ये जो मॉप है ये क्लियर वीडियो के अंदर दिख रहा है, पुलिस वैन के पीछे आकर छुप गए। अब ये लोग कौन है बोल के एक ऐसा सवाल आएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक जुमला है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे रेफरेंस बनाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि दंगाइयों को कपड़े से पहचानो, कपड़ों से उनको दंगाइयों को पहचानो। तो आप ये वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो जो मॉप आया उनके अंदर जो लोग है वो चड्डी पहने हुए, किराड़पुरा के अंदर चड्डी पहनने का कल्चर नहीं है, तो आप कपड़ों से उनको पहचान सकते हैं। दूसरी और एक चीज, ये जो मॉप है इनको पुलिस अधिकारी अपने साथ में मंदिर के अंदर लेके गए। ये वीडियो खत्म होते होते आप देखेंगे कि ये सारे लोग जो है तो मंदिर के अंदर चले गए।
ये लोग मंदिर के अंदर गए, वहां पर कितनी देर बैठे, क्या इन्होंने वहां पर किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। इसमें से ये एक बात समझ में आती है कि जो लोग पत्थर मार रहे थे, कहा जा रहा है कि वो मंदिर को मार रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि ये मंदिर सदियों पुराना मंदिर है, आजकल का मंदिर नहीं है। और इस मंदिर की सिक्योरिटी यहाँ का मुस्लिम समाज सदियों से करते आ रहा है, आज से कल से नहीं कर रहा। तो आज भी वो लोग जो है तो जो करना है करके चले गए, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज उस मंदिर की जो है तो सिक्योरिटी दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। तो फिर उसी रात में पत्थर क्यों? तो इसका मतलब वजह यह है कि वो जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने कुछ शरंगेजी की, इन्होंने जो है तो बाहर के मॉब के खिलाफ कुछ तो भी किया। वो अंदर बैठने वालों को ये लोग पत्थर मार रहे हैं, ना के मंदिर को मार रहे हैं। ये इल्जाम जो है तो यहाँ जो किराड़पुरा की अवाम के ऊपर लगा था, ये झूठा साबित हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अभी बेकसूरों का मामला हमारे सामने है, बेकसूरों के बहुत सारे जो है तो एविडेंस आ गए हैं कि उनको हरासमेंट किया जा रहा है, जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है तो शोषण किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस है, एविडेंस भी आ गए हैं हमारे पास। तो ये जो माहौल हो रहा है, ये क्यों माहौल हो रहा है, इसके पीछे साफ एक जो है तो मंशा दिख रही है। वो मंशा ये है कि जो असल सच्चाई है, जिससे पूरी घटना का कर्म जो पूरा घटना का जो है तो रास पास होगा, इससे लोगों को जहन भटकाने के वास्ते बेकसूरों को हरासमेंट करने का खेल खेला जा रहा है। मिसाल के तौर पर शेख मुनीर साहब जिनकी जो है तो गोली लगकर डेथ हुई है, उनका वीडियो भी आ चुका है। वो भी अब पब्लिक के अंदर है। वो वीडियो ये है कि उन्होंने गेट के बाहर आई ही नहीं, अपने घर के कंपाउंड के गेट से बाहर उन्होंने कदम भी नहीं रखा है, गेट को लॉक है। तो गेट के अंदर रहने वाले वो शख्स को गोली लगी, वहां के लोगों ने उनको जैसे तैसे जो तो संभाला, उनको हॉस्पिटल भेजा वहां पर जो तो। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो मुनीर साहब को दंगाई के तौर पर जो है तो FIR के अंदर नाम है, जो जिनको जो है तो कत्ल हुआ है, जिनका इंतकाल हुआ है, उन्हीं का नाम आरोपी के नाम पे है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है तो कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर FIR है, मतलब ये PI साहब की बस की बात नहीं है। इतना बड़ा इंसिडेंट, इसके अंदर पूरा जो है तो नियोजन होना, इसके अंदर कैसे कैसे गुनाह दाखिल करना है और कैसी कार्रवाई होना, ये PI साहब की बस की बात नहीं है। इसके अंदर यकीनी तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। और इस बात को हम अच्छे तरीके से समझिए कि ये पूरा जो घटना हुआ उसके बाद में पुलिस की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई में मेरा दावा है, अगर सही इन्वेस्टिगेशन टीम अगर आती है तो 3 दिन के अंदर इतने पुरावे मौजूद है, इतने एविडेंस है, इतने सबूत है कि पूरी सच्चाई का जो है तो पर्दाफाश हो जाएगा, सच्चाई पूरी आवाम के साथ में आ सकती। सर शर्त यह है कि इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। लेकिन हम ये देखे कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर सिर्फ औरंगाबाद के अंदर जो है तो ये इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत सारे शहरों के अंदर जो है तो वायलेंस हुआ है। ये वायलेंस को जो है तो परमिट किया गया है, जिसको इजाजत दी गई है, वो इजाजत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल आज जो है तो हम उठा रहे हैं, और ये सवाल हमको लगता है ये वैलिड सवाल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनकी वजह से आज महाराष्ट्र पुलिस के हाथ पैर बांध दिए गए। ना इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को छूट दी जाती है, ना पुलिस को चाहिए तो सही तरीके से कार्रवाई करने के लिए काम दिया जाता है। सिर्फ एक काम दिया जाता है पुलिस को, एक पर्टिकुलर एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करो, उसको बदनाम करो, उसके खिलाफ नफरत फैलाओ, और दूसरी को जो कम्युनिटी है या दूसरे जो आरोपी है, मैं तो कम्युनिटी नहीं बोलूंगा, हमारे हिंदू भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हमारे हिंदू भाई जो है तो ऐसे कामों के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकते, मेरा पूरा यकीन है। ये पर्टिकुलर समाज के जो अंदर जो समाज कंटक है, इनको बचाने का काम जो है तो पुलिस करे बोल के शायद ये देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब की तरफ से किया जा रहा है।
ये वही हमारी महाराष्ट्र पुलिस है जिसके ऊपर हमको बहुत गर्व था, जिसने जो है तो हमारी देश से अंडरवर्ल्ड जैसा कैंसर को खत्म करने वाला हमारा महाराष्ट्र पुलिस, ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने बम्बई हमले के अंदर अपनी जान को कुर्बानी देके पूरी दुनिया के अंदर महाराष्ट्र पुलिस का नाम रोशन किया था, ये वही महाराष्ट्र पुलिस है। ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने देश के अंदर एक्चुअल जो आतंकवाद हो रहा है, एक्चुअल जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, उसको जो है तो बेनकाब करने वाला यही हमारा महाराष्ट्र पुलिस है। ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसको हम जो है तो गर्व से कहते हैं कि ये महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारे संविधान का नाम रोशन किया था, हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया था, ये हमारी महाराष्ट्र की पुलिस है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब से देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री आए हैं और जो एकनाथ शिंदे ये हमारे चीफ मिनिस्टर आए हैं, ये दोनों मिलकर एक राजनीति फायदा उठाने के लिए आने वाले इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन है और जो विधानसभा इलेक्शन है और अलग अलग कारपोरेशनों के इलेक्शन है, ये कारपोरेशनों के इलेक्शनों के अंदर फायदा उठाने के लिए नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आज देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने इसकी जो है तो पुष्टि कर दी है। उन देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो है तो खुले अल्फाज में महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहा है, आपके बारे में, आपके सबके सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसको भी सामने रखिए और आज जो चल रहा है उसको भी सामने रखिए। हमारी महाराष्ट्र पुलिस इतनी कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और जो है तो हमारे मुख्यमंत्री हमारी पुलिस को जो है तो उनके हाथ बांध रहे हैं, उनके पैर बांध रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर नफरत नहीं रुक रही है, वायलेंस नहीं रुक रहा है। ये मेरी कुछ बातें थी। सर, हमने जो वीडियो के अंदर जो मॉब दिख रहा है, आसानी से क्लियरली उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको जो है तो पकड़कर सारी जो है तो डिटेल लाई जा सकती है सामने अवाम के, हमारा वही बोलना है। अच्छा, आप बोले कि ये पीआई साहब के बस की बात नहीं है और बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, तो उनके नाम बता सकेंगे क्या आप, कौन से अधिकारी जो इन्वॉल्व है आप जो बोल रहे? ये जांच का विषय है, इसके अंदर जांच होना चाहिए। बड़े अधिकारी के मतलब जो है तो हमारे सीपी साहब से लेके डीसीपी और बड़े बड़े जितने भी अधिकारी है, इसके अंदर कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर हो सकता है, इसलिए पुलिस को जो है तो कमजोर किया जा रहा है। इसलिए मेरी जो है तो सरकार से विनंती भी है और जनता से खासतौर से विनंती है कि वो जो है तो जुडिशियरी इंक्वायरी की मांग करे, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार भी बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आ रहा है। अभी जो आपने जो वीडियो के बारे में जो आप पत्रकारों को जो वीडियो दे रहे हैं, वो वीडियो आपके पास कहां से? हाँ, ये वीडियो ऑलरेडी वायरल हो रही है, लोगों के बीच में है, जैसा मैंने बताया सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने डाली, लेकिन झूठ का गलबा इतना है, झूठ की ताकत इतनी है कि लोग सच बोलने के लिए डर रहे हैं। कल सीपी साहब ने आह्वान किया, आश्वासन किया कि हम जो है तो फुटेज के आधार पे जो लोग वहां है उन्हीं को उठाएंगे और उन्हीं को अरेस्ट करने वाले हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि बेगुनाहों को अरेस्ट कर रहे, ऐसे कौन है बेगुनाह जिसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? उसमें ऐसा है कि अभी जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उन सारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस दिन औरंगाबाद में मौजूद ही नहीं थे, और उसके एविडेंस हैं जो कोर्ट में अभी दाखिल किए गए हैं, मैं अभी कोर्ट से आ रहा हूँ, उनके एविडेंस अभी डाले गए हैं कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी उनको उठाया गया। अब तकरीबन 40 से 45 लोगों को पकड़ा गया है, ये सबके सब बेकसूर है, आपका ऐसा लगता है? सबके सब बेकसूर हैं, इसका ये गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेकसूर हैं और जो यहाँ मौजूद ही नहीं थे उनको उठाया गया। पर्टिकुलरली वो लोगों के लिए आप लड़ने वाले हैं या सभी के लिए लड़ने? हम किसी के लिए लड़ने की बात ही नहीं की अभी तक, ना हम लीगल एड देने वाले हैं, ना हम लीगल प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो अपना अपना देखेंगे, हम जो सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं, बस दूसरा हमारा कोई काम नहीं। तो आपका बोलने का मतलब ये आ रहा खुले अल्फाजों में कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही, क्या बोलना है? पुलिस कहीं ना कहीं मजबूर है, हमारा ये बोलना है मेन, ये मजबूर हम खुले अल्फाजों में कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, और एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे जो है तो मुख्यमंत्री है, इनकी वजह से पुलिस कमजोर हुई है, ये हमारा जो है तो बोलना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद हमारा स्टेप ये रहेगा कि हम जो है तो जो एविडेंस आ रहे हैं, जो अभी हमने आपके सामने रखे और जितने जितने हमारे हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारा एक बंच रेडी करके
हम कमिश्नर ऑफ पुलिस और आईजी डीआईजी तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम न्यायालय के अंदर भी न्याय के लिए इंसाफ के लिए हम जो है तो पहुंचने की जो है तो कोशिश करेंगे। हमारा पत्रकार परिषद जो हम ले रहे हैं, हमारी जो बात आपको बुलाकर हम अपनी रख रहे हैं आपके सामने, उसका मेन मकसद है उनको कोई सनसनी नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं है। हमारा संविधान के अंदर जो अधिकार दिया है, अधिकार के साथ में जो ड्यूटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो संविधान की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इंसाफ को यकीनी बनाने के अंदर अपना रोल जो है तो निभाना, ये हमारा जो है तो मकसद है मेन इसके अंदर। हम यहाँ पर दो वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। दो वीडियो जो आपको हम बताना चाहते हैं, वो दो वीडियो ऐसे हैं, ये ऑलरेडी पब्लिक के अंदर है, ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के पास है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पब्लिक के अंदर है। इसके अंदर एक तो पहला कंफर्मेशन ही पहले वीडियो में ये है कि एक मॉब जो है तो गाड़ियों के ऊपर, टू व्हीलरों के ऊपर वहां पर आया राम मंदिर के पास में। फिर उसके बाद जो है तो वो नारेबाजी लगाकर शायद इमीडिएट वो पुलिस वैन के पीछे में खड़ा हुआ है, पुलिस वैन जनता डुडेरी जो है वहां पर उसके सामने खड़ी हुई है, उसके पीछे ये मॉब है। अब ये मॉब कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, कौन है, हिंदू मुस्लिम तो सवाल ही नहीं होता, ये जो है तो समाज कंटक होते हैं, इनको जो है तो किसी जात धर्म से नहीं देखना चाहिए। तो पहला इनको जो है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो डायलॉग जो उन्होंने कहा है उसको हम जो है तो आइडियल समझेंगे। इस वक्त में उन्होंने कहा कि दंगाइयों को जो है तो कपड़ों से पहचानो। तो वीडियो के अंदर जो लोग दिख रहे हैं वो चड्डी के अंदर, निकर के अंदर पहने हुए खड़े हुए वहां पर है। किराड़पुरा के अंदर चड्डी पहनने का कोई रिवाज नहीं है। और उसके बाद और एक ये चीज है कि ये जो लोग खड़े हुए हैं 30-40 लोगों का एक मॉब दिख रहा है, वो लोगों बाद में जो है तो पुलिस के कुछ अधिकारी उनको मंदिर के अंदर लेके गए। तो ये जो दो वीडियो है इसके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई निकल के आ रही है। पहली सच्चाई ये है किराड़पुरे के जो जनता है उनको जो बदनाम किया जा रहा है कि इन्होंने मंदिर के ऊपर पत्थर चलाए, सबसे पहले ये झूठ का जो है तो पर्दाफाश हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है क्योंकि राम मंदिर जो है वो किराड़पुरे के अंदर है, ये सदियों पुरानी मंदिर है, आजकल की मंदिर नहीं है। और सदियों से यहाँ पर इस मंदिर को बचाने के लिए किराड़पुरे की अवाम या उसको सिक्योरिटी देने के लिए किराड़पुरे की मुस्लिम अवाम जो है तो वहां पर खड़ी हुई है। आज भी रामनवमी करके सारे लोग चले गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के किराड़पुरे के लोग आज भी उस मंदिर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये जो इल्जाम लगा है, अब ये जो लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद इन्होंने क्या क्या हरकतें की, क्या इन्होंने मॉब को अंदर से गेट में से उकसाया, क्या इन्होंने जो है तो कुछ और गाली गलौज अपशब्द कहे, ये जांच का विषय है। और इसके बाद ये समझ में आ गया कि जो लोग वहां पत्थर चला रहे थे वो पत्थर मंदिर पर हरगिज नहीं चल रहा, बल्कि ये जो समाज कंटक वहां पर आए थे इनकी जो कुछ जो है तो गैर जरूरी एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर जो है तो गुस्सा आया, उन्होंने उनके ऊपर पत्थर चलाया। ये क्लियर यहां पर इस बात को समझ में आने, ये सच्चाई जो है तो 3 दिन पहले भी आ सकती थी बहुत आसानी से, बहुत सारे एविडेंस यहां पर मौजूद है, लेकिन सारे कैमरे सारे वीडियो सारा डाटा आज पुलिस प्रशासन के अंडर में है, पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है। ये कंट्रोल में होने के बाद भी अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके बाद हमारा और ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है इनको जो है तो कमजोर किया जा रहा है कार्रवाई करने के अंदर, इनको जो है तो पुलिस प्रशासन के हाथ और पैर बांधे जा रहे हैं। ये बांधना किसकी तरफ से हो रहा है, ये बांधना हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हो रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य की सरकार के खिलाफ में फैसला सुनाया, उस टिप्पणी की, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मामला हुआ सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं हुआ, महाराष्ट्र राज्य के कई जगहों में ये ऐसा मामला हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि हिंसा करने के लिए परमिशन अलाउ की गई थी, ये परमिशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो अलाउ की गई है, इसकी जो है तो उच्च स्तरीय जो है तो जांच होना चाहिए और ये झूठ का सारा पर्दाफाश होना, सच्चाई को लेकर जो है तो न्याय होना चाहिए, हमारा कहना।
इस इम्तियाज जलील साहब खासदार, हम उनके ऊपर बहुत भरोसा किया, किराड़पुर की आवाम ने उनके ऊपर बहुत भरोसा किया। उनसे कम ये उम्मीद थी कि ये जो लोग मंदिर के अंदर बैठे थे, इनकी क्या एक्टिविटी थे, ये कौन लोग थे, किस मंशा से आए थे, किस कॉन्स्पिरेसी को ये लोग लाए थे, इसका कम से कम इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो आवाम के सामने लाना चाहिए था सच्चाई। लेकिन इम्तियाज जलील साहब पता नहीं पिछले 3-4 दिन से क्यों खामोश हो गए, इसका ये बहुत बड़ा सवाल निशान जो है तो उठ रहा है। आपके पास वीडियो है, आप बोल रहे हैं कि इसमें कुछ और लोग हैं और पुलिस के पास जो है वो अलग है, पुलिस जो कार्रवाई कर रहे हैं जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है वो भी तो वीडियो की आधार पे किया है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो वन साइड वीडियो है, बोथ साइड वीडियो नहीं है, दोनों तरफ के वीडियो। पुलिस के पास जो वीडियो है जो बताया जा रहा है, मेरे 100% गारंटी है ये भी वीडियो पुलिस के पास है, इसमें कोई वो नहीं है। पुलिस के पास ऑलरेडी ये भी वीडियो है, ये भी डिटेल है, सब कुछ है, लेकिन कार्रवाई वन साइड है। ये जो हुआ है ये आपको कहना क्या है, ये है मुस्लिम और हिंदू नहीं है, ये जो ग्रुप आया निकर पेन के जो मंदिर के अंदर घुसा, इस ग्रुप के ऊपर कार्रवाई नहीं है। यानी आप जो पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग पकड़े गए हैं वो बेगुनाह है, आपने कहा है। पूरे लोग बेगुनाह नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने नहीं कहा। कुछ लोग में से कितने लोग बेगुनाह? देखिए, हिंसा करने वाले कोई भी हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मोहल्ले के रहने वाले हो, वो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। अभी तक 40 लोग पकड़े गए हैं, आपका 51 लोग पकड़े गए, आपका लोग कहना है कि कुछ लोग उसमें से बेकसूर है, आपके नजरिए में उस 51 में से कितने लोग बेकसूर है? वो जितने लोग भी बेकसूर है, कौन एक आपका सिर्फ जाऊंगा, आपने कहा बेकसूर है बराबर, तो आपके नजरिए में कितने लोग उसमें से बेकसूर है? सर, एक आदमी भी अगर बेकसूर सताया जाता है, एक आदमी भी अगर डिस्टर्ब होता है, एक आदमी भी अगर उसको निशाना बनाया जाता है, तो ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ भी है, और हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भी खिलाफ है। एक आदमी बेकसूर भी हरासमेंट नहीं होना, ये कन्फर्मेशन होना चाहिए बस हमारे। यानी आप आरोप कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कितने कसूरवार है और कितने बेकसूरवार है, हम कैसे बता सकते हैं? अगर हमको अगर मालूम रहा है तो आरोपी हम खुद। आपने आपने क्या कहा कि भाई पुलिस जो है तो बेगुनाह लड़कों को पकड़ रही है बराबर, कौन बेगुनाह, उनका नाम क्यों डिस्क्लोज नहीं करते आप, क्यों बता रहे हैं? प्रेस तो आपने भी ना सर, इसके अंदर आप बोल रहे हैं ना कि बेगुनाह है, तो उसमें से कौन कौन बेगुनाह है, कौन पकड़े गए, ये आपको बताना जरूरी है ना, आप हवा में तो ये आरोप नहीं कर सकते। सुनिए ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो बेगुनाह लोग है, यकीनन बेगुनाह लोग आए है उसके अंदर, उनको हरासमेंट हुआ है, इसके सैकड़ों एविडेंस अब आ चुके हैं, लोगों के ने जो है तो अपने रेल टिकट भी जो है तो वहाँ पे सबमिट किया, कई लोग बोले स्पॉट पर नहीं है, सारी चीजें आई है। और नहीं, कम से कम इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि कई लोगों को जो है तो बुलाकर बहुत सख्त तरीके से पूछताछ की जा रही है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को हरासमेंट किया जा रहा है, बाद में छोड़ा जा रहा है, हरासमेंट तो हो रहा है, हरासमेंट से इनकार कैसे कर सकता है? आप अपील क्या करेंगे? हम अपील से अपील क्या करेंगे? हमारी अपील में यही है, और एक जो एग्जांपल है जिनको जो तो गोली लगी, जिनके ऊपर जो तो मुनीर साहब है, वो भी अपने घर की बाउंड्री के बाहर नहीं निकले, आज जो तो वो भी वीडियो पब्लिक के सामने आ चुका है, वो घर के अंदर ही है। पुलिस की जो कार्रवाई है असली मुजरिमों को पकड़ने के लिए, वो कार्रवाई कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रही, ये हमारा जो कहना है, वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है तो होना चाहिए, वो होने के अंदर हमको यकीन है, हमको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कायदा जो है तो काफी है, यहाँ पर जो है तो असल गुनहगारों को जो बेनकाब करने के लिए ये कायदे के जरिए से ही उसका सही प्रोसेस होना चाहिए, बस हमारा ये डिमांड है इसके अंदर, और हम ये चाहते हैं कि जुडिशियरी इंक्वायरी इसके अंदर होना चाहिए। अब ये सब जो आपके पास एविडेंस है, ये आप पुलिस को सपोर्ट करेंगे आने वाले? बिल्कुल करेंगे, हम सीपी साहब को भी करेंगे, वक्त पड़ने पर आईजी डीआईजी साहब से भी हम जो है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपके पास जो वीडियो है तो वो घटना से पहले के या बाद? ये वीडियो वायलेंस होने के पहले है, नारों के बाद के, जो भड़काऊ नारे लगे उसके बाद के है, वायलेंस होने से पहले के।
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।